नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों पर। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 9 विधायक सस्पेंड, डिप्टी स्पीकर पर कागज फेंकने का आरोप। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान, सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। विपक्षी एकता मीटिंग में नाराजगी की खबरों को सीएम नीतीश ने बताया गलत। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी पर थूकने वाले का घर ढहाया, डीजे और ढोल बजवाकर चलाया बुलडोजर। मुख्यमंत्री शिवराज ने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की, कुन्नू नेशनल पार्क में भेजी जाएगी विशेषज्ञों की टीमें। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को पछाड़ा, शतकीय पारी से टॉप 10 में मारी एंट्री। करीब 1.5 साल के बाद खुलेगा लखनऊ का रूमी गेट, मुख्य दरारें भरने का काम पूरा, दिसंबर 2022 से था बंद। 22 जुलाई को भाजपा की बड़ी बैठक, शामिल होंगे जेपी नड्डा, अमित शाह फिर आएंगे मध्य प्रदेश। उत्तराखंड नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट फैलने से अब तक लगभग 16 लोगों की मौत। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें, बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल लाइव के साथ। धन्यवाद।